अगर आपने ग्वाटेमाला का ब्लॉग नंबर 1 नहीं देखा तो यहाँ आप ऊपर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से आंटी हुआ, जो कि 1 घंटे का रास्ता है। बस में आपको 1 से 2 डॉलर का खर्चा होगा, लेकिन आप कहेंगे है और हमारे पास किटसाल नहीं, किटसाल जो यहाँ की करेंसी है, किटसाल नहीं। तो ऊबर में हम कार्ड से पे कर सकते हैं, तो ऊबर के अंदर $20 शो कर रहा है। अभी ऊबर आने वाले 2 मिनट। यहाँ की टैक्सी जो कि वाइट कलर की होती है, और ऊबर भी बहुत ही छोटी गाड़ियाँ होती है। ये ऊबर में हम बैठे हुए हैं, अभी 1 घंटे का रास्ता है, $25 हुआ है ऊबर में। आपको बता दूं कि ग्वाटेमाला में कुल 37 वोल्कानो है, तो रास्ता भी आपको पहाड़ी मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रास्ता है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं अंतिगुआ, ग्वाटेमाला। अंतिगुआ का मतलब होता है ओल्ड सिटी, एंटिक। तो ये ग्वाटेमाला की अंतिगुआ सिटी का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर का फाउंटेन है। यहाँ पर लोग आते हैं और बैठते हैं, पिकनिक बनाते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और यहाँ के जो वेंडर आपको रास्ते पे दिखेंगे कुछ ना कुछ बेचते हुए, ये भी बहुत सीधे लोग होते हैं। दूसरी जगह जैसे नहीं कि वो आपको पहले बहुत हाई रेट बताएंगे, उसके बाद में आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ये आपको सही रेट बताएंगे और बहुत ही रिजनेबल रेट बताएंगे और सीधे तरीके से आपको बेचेंगे। ग्वाटेमाला सिटी से 1 घंटा दूर होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर ज़्यादा क्यों आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा क्यों आते हैं, उसकी वजह यह है कि सिटी में तो कुछ देखने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ज़ू जा सकते हैं या फिर म्यूज़ियम जा सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर आज तक इसको पुराने ज़माने का जो माहौल है उसको मेंटेन किया हुआ है, और रास्ता भी वैसे ही आपको मिलेगा और हर मकान भी वैसे ही मिलेंगे। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है जिसको वैली ऑफ ग्वाटेमाला कहते हैं, जिसको वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा। और उसके सामने एक वोल्कान दे आगुआ, वोल्कान दे आगुआ यानी पानी का वोल्कानो। Hola, buenas. Sí, buenos días. Para cambiar dólares. El cambio de dólares es de 605 por dólar. 605. Sí. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई किटसाल मौजूद नहीं है, तो हमने एक्सचेंज रेट यहाँ पूछा तो हमको बताया कि 6 किटसाल, हालांकि उसका रेट चल रहा है 7.5 किटसाल, मतलब कि ये सिटी से ज़्यादा महंगी जगह है। तो चलिए, वॉकिंग करते हुए आपको अंतिगुआ सिटी का नज़ारा कराते हैं और इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। लोगों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सिंपल होते हैं। मेरे ख्याल से सामने शादी का फंक्शन हो रहा है, चलो आगे चल के देखते हैं। ये फंक्शन नहीं बल्कि पुराने स्टाइल के घर होने की वजह से यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि 2 लोग शादी के ड्रेस में फ़ोटोशूट के लिए आए हुए हैं। अगर इस जगह की बात की जाए तो ये एक ज़माने में ग्वाटेमाला का कैपिटल हुआ करता था और 60,000 के करीब यहाँ की पॉपुलेशन थी, लेकिन वोल्कानो के एक्टिव होने की वजह से और बहुत सारे अर्थक्वेक होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन को शिफ्ट होना पड़ा दूसरी जगह पर, जिसको आज हम ग्वाटेमाला सिटी कहते हैं। कहने के लिए तो ये एक ओल्ड सिटी है, पुराने टाइप का घर है, लेकिन यहाँ पर आपको हर फेमस ब्रांड की दुकान मिल जाएगी, जैसे कि ज़ारा हो गई, आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा मिल जाएगा, पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल एक टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे में घूम सकते हैं। उसके बाद में एक रिक्शे वाले ने हमको कहा कि हम टूर कराते हैं, आसपास में एक जगह है घूमने की जिसका नाम है अल्तामीरा। एक ऊंची जगह है जहाँ पर एक हाथ बना हुआ है लकड़ी का, वहाँ से आप फ़ोटो निकाल सकते हैं और ऊपर से सीनरी देख सकते हैं। ये सिटी कॉलोनियल के ज़माने से आज तक वैसे के वैसे ही मौजूद है, ऐसे ही सेम टू सेम सिटी जो कि कॉलोनियल के टाइम से पनामा के अंदर भी मौजूद है, जिसका नाम है कास्कोवियहो। उसका वीडियो भी मैं जल्द बनाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप पनामा से हो, आज तक आपने पनामा का एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पनामा में 8 से 9 साल पहले सब चीज़ घूम चुका हो और उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन आपके लिए मैं फिर से उन जगहों पे जाऊँगा और वीडियो उसको बनाऊँगा, तो इंतज़ार करें और वो वीडियो जल्द आने वाला है। इस जगह के बहुत सारे शॉट मैंने ड्रोन के ज़रिए से लिए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट लिए थे, लेकिन वो बराबर सेव नहीं हुए।
और जब दूसरी बार लेने की कोशिश की तो पुलिस आ गई और मुझे मना कर दिया कि आप अब यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो वो ड्रोन के शॉर्ट्स मेरे रह गए। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसका नाम है वैली ऑफ गौतेमाला। अगर मैं कैमरे को घुमाऊँ तो बिल्कुल यहाँ मेरे पीछे है, इसका नाम है वोल्कान दे आगुआ। आप देख सकते हैं कि ये वोल्केनो सिटी से कितना करीब है। यहाँ पर जब वोल्केनो एक्टिव होता था तो इसका लावा यहाँ नीचे तक आता था, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन को मूव करना पड़ा। और अगर आप नीचे ज़मीन भी देखेंगे तो इसको भी अभी तक वैसे ही रखा गया है, इसको पक्के तरीके से अच्छा रास्ता बनाया नहीं गया। हम सुबह अपने होटल से 9 बजे निकले थे और 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद 2 घंटा हमने यहाँ घूमा। कुछ रिक्शे वाले हमारे पास आए और हमें कहा कि आसपास बहुत सारी जगह घूमने के लिए है, तो हम यहाँ से अभी अल्तामीरा पर जाएंगे, जो आधे घंटे का रास्ता है लेकिन पहाड़ी रास्ता है और ऊपर देखने की अच्छी जगह है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रिक्शे की सवारी और पहाड़ के नज़ारे के साथ। Thank you.